इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट आर्टिकल चैप्टर नंबर 8 का पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स अबाउट बीट्स। बीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और बीट जो है ये स्टूडेंट्स म्यूज़िक में यूज़ होता है, यानी आप ये कहते हैं कि साउंड का कम या ज़्यादा होना वो बीट्स कहलाता है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपरली आप ये करना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज इंटरफेरेंस, इट इज द इंटरफेरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स हैविंग slightly difference slightly difference in frequencies look at the definition students it is a special type of interference it is the interference between two sound waves having slightly difference in frequencies, यानी इनके दरमियान जो frequencies में जो difference है it is slightly difference, यानी बहुत ही कम difference है, तो इसे हम beats का नाम देते हैं। और interference में आपको याद होगा कि two sound waves जो हैं वो एक ही direction में superimpose होती हैं और उसे हम interference कहते हैं। तो it is a special type of interference, it is interference between two sound waves के दरमियान होगा having slightly difference in frequencies, और उनके दरमियान difference in frequencies का फ़र्क कम होना चाहिए, slightly होना चाहिए, तो then beats are produced। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे explain करेंगे explanation में हम ये कहते हैं कि we have the two tuning forks we have the two tuning forks are there one is the tuning fork A having frequencies 32 hertz and we have another one is tuning fork B and its frequencies 30 hertz hum yahan pe ye kahenge ki we will discuss different cases we have the consider two tuning forks A and B of frequency 32 hertz and 30 hertz respectively placed at equal distance from ear yani ear se equal distance pe aapne dono ko rakhna hai students hum isko explain kar rahe hain beats ko we have the two tuning forks one is a and the other is b tuning fork a having a frequency 32 hertz and b having frequency 30 hertz अब इन डिफरेंट टाइमिंग्स में हम यहाँ पे देखेंगे नंबर वन पे व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो जब टाइम की वैल्यू जीरो सेकंड के बराबर है हम ये कहेंगे कि इन दैट पर्टिकुलर केस बोथ द ट्यूनिंग फोर्क्स आई मीन ए एंड बी दे आर सेंडिंग कंप्रेशंस आई मीन दीज प्रोंग्स दे आर मूविंग ऑन द साइड अब देखें ये प्रोंग अगर इधर जाएगा तो एयर के पार्टिकल दे गेट क्लोजर टू ईच अदर इसी तरह ये भी तो बोथ आर सेंडिंग कंप्रेशंस दोनों कंप्रेशन सेंड करेंगे एंड दे आर इन फेज और ये इन फेज होंगे एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस जब स्टूडेंट्स कंप्रेशन के ऊपर फॉल करेगा या रेयरफैक्शन के ऊपर फॉल करे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एंड लाउड साउंड इज हर्ड साउंड इज हर्ड ये आपने याद रखना है दोबारा सुन लें व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो
जब टी की वैल्यू जीरो है, ए एंड बी दीज आर टू ट्यूनिंग फॉक्स एंड बोथ आर सेंडिंग कंप्रेशंस, ये प्रॉन्ग इधर जा रहा है सी की तरफ और ये भी इधर जा रहा है, तो दे आर बोथ आर सेंडिंग कंप्रेशंस, और ये कंप्रेशन सेंड कर रहे हैं। जब कंप्रेशन सेंड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगा एंड लाउड साउंड इज हर्ड, और लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी, दैट इज द केस। उसके बाद हम ये कहते हैं कि व्हेन टी इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड, अगर टी की वैल्यू 1/4 सेकेंड हो तो आप ये कहेंगे कि ट्यूनिंग फॉक ए ए कंप्लीट्स कितनी वाइब्रेशन स्टूडेंट्स, 32 × 1/4 एंड आंसर 8 वाइब्रेशंस। तो ए कंप्लीट्स 8 वाइब्रेशंस एंड बी कंप्लीट्स 30 × 1/4 एंड यू गेट 7.5 वाइब्रेशन, और बी जो है ये 7.5 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। तो यहां से हम इन दोनों ट्यूनिंग फॉक्स की पोजीशन को अगर आप चेक करें तो ए क्योंकि कंप्रेशन सेंड कर रहा है तो ए का प्रोंग जो है वो इधर आएगा, लेकिन बी जो है ये रेयर फैक्शन सेंड करेगा क्योंकि हाफ की बात हो रही है, तो ये प्रोंग जो है ये इधर जाएगा, तो इट इज सेंडिंग रेयर फैक्शन। ए इज सेंडिंग कंप्रेशन एंड बी इज सेंडिंग रेयर फैक्शन, सो दे आर आउट ऑफ फेज, आई मीन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो दे विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स ये दोनों अगर अपोजिट हों तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एंड नो साउंड इज हर्ड, नो साउंड इज हर्ड, और कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी इन दैट पर्टिकुलर केस, आई मीन केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स कोई साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि नंबर 3 में देखिए 1/4 था टी की वैल्यू, 1/4 और ऐड करें तो व्हेन टी इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड, टी की वैल्यू 1/2 सेकेंड हो, टी की वैल्यू 1/2 सेकेंड हो, देन क्या होता है स्टूडेंट्स, ए कंप्लीट्स थर्टी टू इंटू 1/2 एंड यू गेट 16 वाइब्रेशंस। तो यहाँ से हमें ये कन्फर्म होगा कि ए कम्प्लीट 16 वाइब्रेशंस और बी पे आ जाएं, बी कम्प्लीट्स 30 × 1/2 जस्ट मल्टीप्लाई यू गेट 15 वाइब्रेशंस। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए कम्प्लीट 16 वाइब्रेशंस एंड बी कंप्लीट्स 15 वाइब्रेशंस, तो इसको आप यूं लिखते हैं। अब ट्यूनिंग फॉक्स की पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ए इज सेंडिंग कंप्रेशन, तो ये प्रोंग इधर जाएगा, इट विल सेंड कंप्रेशन एंड सिमिलरली बी इज आल्सो सेंडिंग कंप्रेशन, और बी भी कंप्रेशन ही सेंड करेगा, तो बोथ आर सेंडिंग कंप्रेशन, ए भी कंप्रेशन सेंड कर रहा है कि आपके सामने मेंशन है, A is sending compression and B is also sending compression. अब देखें compression compression के ऊपर fall कर रहा है, तो जब compression compression के ऊपर fall कर रहा है it means constructive interference takes place स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगा एंड लाउड साउंड इज हर्ड, लाउड साउंड इज हर्ड, और लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी। देखिए ए भी कंप्रेशन सेंड कर रहा है, बी भी कंप्रेशन सेंड कर रहा है, कंप्रेशन कंप्रेशन के ऊपर फॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगा एंड लाउड साउंड इज हर्ड, और लाउड साउंड जो है इस पर्टिकुलर केस में प्रोड्यूस होगी। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में स्टूडेंट्स वी हैव द डिफरेंट K
केस आई मीन अब देखिए हाफ सेकंड था, आपको याद होगा कि पहले हमने टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट किया था, इसमें दोनों जो है बोथ आर सेंडिंग कंप्रेशन लॉर्ड साउंड जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लॉर्ड साउंड स्ट्रेंथ। टी इज इक्वल टू 1/4 सेकंड में कंप्लीट सेट वाइब्रेशन भी 7.5, अब ये कंप्रेशन सेंड कर रहा है ये रेयर फ्रैक्शन लाजिम अदर दे कैंसिल ईच अदर फैक्ट नो साउंड इज हर्ड। और नंबर थ्री पे अगर आप आते हैं तो टी इज इक्वल टू 1/2 सेकंड हाफ सेकंड ए कंप्लीट वाइब्रेशन कितने, इसको मल्टीप्लाई 16 वाइब्रेशन बी कंप्लीट 15 वाइब्रेशन, सो ए इज सेंडिंग कंप्रेशन बी इज आल्सो सेंडिंग कंप्रेशन, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एंड लाउड साउंड इज हर्ड और लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगा। अब आ जाते हैं नंबर फोर पे। नंबर फोर की जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें 1/4 और ऐड करते हैं, 1/2 में 1/4 और ऐड करेंगे तो आपके पास व्हेन टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3/4 सेकेंड। 3/4 सेकेंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ए कंप्लीट्स वाइब्रेशंस एक कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, ये 32 इंटू 3/4 यू जस्ट मल्टीप्लाई ये बन गया जी 24 वाइब्रेशंस। ए कंप्लीट्स वाइब्रेशंस 32 वाइब्रेशंस एंड बी कंप्लीट्स वाइब्रेशंस, बी जो वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा स्टूडेंट्स 30 × 3/4 इट कंप्लीट्स दी वाइब्रेशन स्टूडेंट्स कितनी होगी 22.5 स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करें 22.5 आता है तो 0.5 मीन हाफ वाइब्रेशन 22.5 वाइब्रेशंस। तो यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि ए जो है ये कंप्रेशन सेंड कर रहा है और बी हाफ, हाफ का मतलब ये है कि ये रेयरफैक्शन सेंड कर रहा है यानी ये प्रोंग इधर जा रहा है, देखिए इधर से स्टार्ट हुआ था दोबारा से वापस 1 वाइब्रेशन होती है तो ये 24 वाइब्रेशंस सेंड करता है और कंप्रेशन इसी एंड पे होता है। लेकिन अगर आप रियर फैक्शन की बात करें तो इसमें 22.5 वाइब्रेशन मीन कि ये प्रोंग जो है ये इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब ये है कि ये रियर फैक्शन सेंड करेगा, सो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं, एक कंप्रेशन सेंड कर रहा है दूसरा रियर फैक्शन सेंड कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो आप ये कहेंगे कि दैट केस नो साउंड इज हर्ड, कोई साउंड जो है वो नो साउंड इज हर्ड, कोई साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी। यानी नंबर फोर पे आपने लिखा कि व्हेन टी इज इक्वल टू 3/4 1/4 इसमें और ऐड किया 1/2 में, यानी देखिए ये 1/2 था स्टूडेंट्स, यानी 1/4 आप ऐड करते जाते हैं, देखिए जीरो था पहले उसके बाद 1/4 हुआ, 1/4 में 1/4 ऐड किया 1/2 आ गया, 1/2 में 1/4 और ऐड करेंगे 3/4 सेकंड इनके एक कंप्लीट्स वाइब्रेशंस, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई करें 24 वाइब्रेशंस आती हैं और इस तरह बी कंप्लीट्स वाइब्रेशंस आप देख रहे हैं 22.5 वाइब्रेशंस, तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है क्योंकि एक में कंप्रेशन आ रहा है एक में कैंसिल ईच अदर इफेक्ट एंड नो साउंड इज हर्ड, और कोई साउंड इस पर्टिकुलर केस में सुनाई नहीं देगी, ये बात आपने जहन में रखनी है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट में कि इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी आफ्टर दिस यू मस्ट क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब आ जाते हैं जी 1/4 और ऐड करेंगे 3/4 में, तो सिंपल सी बात है ये हमारे पास नंबर 5 केस होगा when t is equal to 1 second, जब t की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 1 second। अगर मैं स्टूडेंट पूछूं कि how many vibrations the Turing fork completes, एक completes vibrations कितनी होगी स्टूडेंट्स 32 × 1 you get a 32 vibrations, a completes 32 vibrations, और अगर आप b की बात करें B completes vibrations
कितनी होंगी 30 वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे देखिए, ए कंप्लीट्स 32 वाइब्रेशंस, बी कंप्लीट्स 30 वाइब्रेशंस। तो इसमें आप ये मेंशन करेंगे कि ए जो है ये प्रोलॉन्गेशन सेंड पे जाएगा, इट विल सेंड कंप्रेशन। और इसी तरह बी में अगर आप आते हैं, इट इज आल्सो सेंडिंग कंप्रेशन। ए भी कंप्रेशन ही सेंड कर रहा है, बी भी कंप्रेशन ही सेंड कर रहा है। तो जब ए भी कंप्रेशन ही सेंड कर रहा है, बी भी कंप्रेशन ही सेंड कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एंड लाउड साउंड इज हर्ड। और लाउड साउंड जो है ये हमें सुनाई देगी, लाउड साउंड इज हर्ड। और इस तरह से लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो स्टूडेंट्स यहां से फिर कंक्लूजन क्या निकला, स्टूडेंट्स कंक्लूजन ये निकला। अब देखें, एक साउंड का लो से हाई होना एक बीट कहलाता है, और इसी तरह हाई से लो होना एक दूसरा बीट। तो कहने का बस ये है कि द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, यानी आप ये कहेंगे कि इसमें जो बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कितने हैं, दे आर टू इन नंबर, तादाद में टू हैं स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू टू, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड किसके बराबर हैं, टू। और डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज क्या है स्टूडेंट्स, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज में क्या है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज कितनी है, देयर आल्सो टू, क्योंकि यहां पे 32 हर्ट्ज है और इसकी कितनी है 30 हर्ट्ज। अब 32 है ये 30 है, तो डिफरेंस कितना है, ये भी 2 के। तो कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये निकला द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, आई मीन एफ ए माइनस एफ बी, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स, एन मीन नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। दोबारा से देख लें, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एन, एन इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल आया स्टूडेंट्स कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड के। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन जो है ये हमने ड्रा किया स्टूडेंट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कितनी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होना चाहिए कि बीट्स प्रोड्यूस हों। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली याद रखनी है, दी इन दिस केस द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड जो है आपको, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, द नंबर ऑफ बीट्स इज नॉट मोर देन 10 पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा हैं तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज 10 तक तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस हो तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस नहीं होते, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब लास्ट पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूँगा। ये देखें, ये हमारे पास ए ट्यूनिंग फॉक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज को मैंशन किया हुआ है, और बी आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसीज को मैंशन किया हुआ। अब इनके दरमियान इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस से मरा ये है कि ये देखो ये क्रस्ट, इसमें अगर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है तो लाजमत है हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है ये बढ़ जाएगा। ये आप देख रहे हैं इट इंक्रीजेज, ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल कर ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। और जहाँ पे रिवर्स केस है, ये आप देख रहे हैं ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो ये एम्पलीट्यूड जो है ये जीरो के बराबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हाई टू लो एक बीट हो गया, उसके बाद लो टू हाई ये दूसरा बीट, ये इंक्रीज होना शुरू। ये रिजल्टेंट वेव में नंबर ऑफ बीट्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, टू बीट्स आर प्रोड्यूस। ये आप देख रहे हैं हाई टू लो, और यहाँ से हमारे पास लो टू हाई सेकेंड। तो नंबर ऑफ बीट्स जो है दे आर टू इन नंबर, और डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज कितना था, इट्स आल्सो टू, तो ये भी टू के बराबर था। तो ये फार्मेशन ऑफ बीट्स को आपने यहाँ पर शो करना है स्टूडेंट्स। सी में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बीट्स हाई टू लो हो या लो टू हाई, यानी साउंड का हाई से लो होना या लो से हाई होना, ये नंबर
ये बीट कहलाता है। तो एक बीट ये और दूसरा बीट ये। अब इसकी यूजेस क्या है स्टूडेंट्स, दो तीन यूजेस आपने याद रखनी है। नंबर वन, इट इज़ यूज टू डिटरमन द अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी को आप डिटरमन कर सकते हैं, जैसे एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स है। कोई एक फ्रीक्वेंसी अगर नहीं है गिवन, तो आप इस फार्मूले से आप डिटरमन कर सकते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी। इट इज़ यूज टू ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको ट्यूनिंग के लिए आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग के लिए आप इसे यूज़ करते हैं, जैसे पियानो है, वायलिन है, इनकी ट्यूनिंग के लिए आप बीट्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वराइटी इन म्यूज़िक। तो इसकी मदद से वराइटी इन म्यूज़िक आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वराइटी इन म्यूज़िक, म्यूज़िक में वराइटी, चेंज, तब्दीली जिसे आप कहते हैं, वराइटी आप हासिल कर सकते हैं बीट्स की मदद से। सो दैट्स अबाउट लास्ट आर्टिकल बीट्स। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।